2020 जो इमीजिएट अलार्म कर 2020 में देश को विकसित करने का देश विकसित
से बुना हुआ, आप विकसित हो जाएंगे। 2020 में लोग आपसे टाइम लेके मिलेंगे। मैं इसको एज ए लॉयर स्टाफ पेपर को लिखने को तैयार हूँ, अगर आपने टाइम की कदर करनी शुरू कर दी और हर दिन 24 घंटे का मुझे हिसाब दे दिया, अपने आप को हिसाब दे दिया, मुझे मत अपने आप को हिसाब दे दिया, और मेरे को बुरा नहीं लगा कि नहीं ये तो गलत नहीं था, ये तो सही था। यू जस्टिफाई छोटे छोटे फंडामेंटल ऐसे फॉर्मूले आपके देखने जा रहा हूँ मैं आज आपको, कि जो अगर आपने अप्लाई किए तो आपके जिंदगी आपको मीडिया और बीच बीच जो हम कह रहे थे वो जो दीदी नहीं कहते हैं और मीडिया और फंडामेंटल जो आपके थॉट प्रोसेस में है, अदरवाइज इतने काम के लिए जितना आप कर सकते हैं उतना आप करो। वी आर नॉट डूइंग एंड सो वी आर गेटिंग अंडर फ्रस्ट्रेशन, आवर पेरेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, आवर टीचर्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड अल्टीमेटली हमारी लाइफ गेट फ्रस्ट्रेटेड। फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैंने आज आपको बताई है, कैरी ऑन डूइंग, इंक्लूडेड देम इन योर लाइफ एंड देन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आई गॉट कुछ चीजें भगवान ने, हम कहते हैं कि वो गरीब वो अमीर, पर कुछ चीजों में कोई गरीबी अमीरी नहीं है। अंबानी का दिन 48 घंटे का नहीं बनाया और हमारा 12 का नहीं, उसका भी 24 का है, हमारा भी 24 का। उसके बाद जो ऑक्सीजन है 21% की एनवायरमेंट में उसके लिए है और हमारे लिए अवेलेबिलिटी उसके लिए भी उतनी छोड़ी है हमारे लिए भी। बेसिक चीजें जो हैं, आदमी के सिवाय किसी को कमाते देखा है आपने? जब भी आदमी का ही पेट नहीं भरता और सब अपनी अपनी जिंदगी जी के चले जाते हैं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे किसी भी तरह, और आदमी जिंदगी भर कमा रहा और फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं। तो डिपेंड अपॉन, आपको संतुष्टि कम मिली, हाउ यू यूटिलाइज योर 24 आवर्स। अगेन वो टाइम वाली बात आ जाती है, 24 आवर्स को आप बैंक बैलेंस समझिए। हर दिन आपके पास एक बैंक बैलेंस भेज रहा है भगवान, उस बैंक बैलेंस को आप है कि आप ऐसे उड़ा दो या आप ऐसे उसको प्रीशियसली यूज कर लेंगे। चेक द डिफरेंस आफ्टर 2 इयर्स, एक के 80% है उसी क्लास में बैठते हैं, एक के 60% है, टीचर सेम थे, क्लास सेम था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम था, भगवान ने माइंड भी सेम दिया, सबको 206 हड्डियां दी। ये नहीं कि वो बढ़िया नहीं बच्ची बढ़िया है, उसको 300 दे देता हूँ तो मैं 150 हड्डियों में काम करना पड़ेगा, तो उसको 4 फेफड़े दे सकता हूँ तुम 1 में काम कर लो, नो। उसने तो कोई साधारण इंसान बनाया ही नहीं, गॉड हैज नेवर मेड एन ऑर्डिनरी पर्सन। हम अपनी हरकतों से साधारण बनने चले गए। नाउ इट डिपेंड अपॉन यू, यू वांट इट टू रिमेन साधारण और सिंपल और यू वांट इट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी? सबकी तरह चलोगे, सबकी लीक पे चलोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो यू नॉट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू विल रिमेन ऑर्डिनरी। आज के आज मुझे अपने सारे बच्चों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, इनसाइड इट, निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑलरेडी डिस्कस इट, प्ले हार्ड, व्हेन यू प्ले पसीना आ जाता है। अब बीमार पता है क्या होते हैं? क्योंकि हर एक के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, लेकिन हमें इफ आई यूज माय लोकल वर्ड हलवाबंदी की इतनी आदत पड़ गई। वन ऑफ द फादर टोल्ड के बेटा तुम्हें कुछ काम नहीं करने पड़ेगा, मैं हर चीज तुम बटन दबाओगे हो जाएगी। देन गॉड टोल्ड पापा वो बटन कौन दबाए? आई टू मेनी इंस्टीट्यूशन, एटीट्यूड कुछ ऐसा हमें लगा है कि मोटी मोटी किताबें तो पढ़नी नहीं है, रेफरेंस बुक तो छोटी पढ़नी है, फिर छोटे में भी नोट्स लिखा दीजिए, नोट्स में इंपॉर्टेंट बता दीजिए, और मतलब उसका कुल मिला के ये होता है कि तुम्हें लिख दो ना हमारे पेपर पर, समझ नंबर दे, बस नहीं चल रहा उसका, बट अदरवाइज उसका एटीट्यूड ये है कि तुम ही लिख देते, इस तरह तो नहीं लिखेगी। सी था सो भी ढंग से सो तो फिर जिसका मतलब जो होगा देख रहे, मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। आज के आज हम लोग माई बुक इज कमिंग दिस ईयर, आई एम हैप्पी टू शेयर विद ऑल फैकल्टी मेंबर्स, एंड द टाइटल इज इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप। लोग बैंक में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, संबंधों में निवेश नहीं करते, लोगों के लोग पास जाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं। वेयर एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और बुढ़ापे में तो विशेष रूप से 40-50-60 के बाद में सबसे ज्यादा जो निवेश आपके काम आने वाला है, करोड़ों रुपए मेरे पास आए, मैं लॉयर ऑफ राइटिंग दिस बी डी एस टी बिल, ये सब करती, तो बिल लिखाने के लिए मुझे लोग आ रहे होते हैं,
और उनसे पूछा जाता है, उनका बयान लिया जाता है कि ये 1 करोड़ रुपए आप अपने बेटे को दे रहे हो, 1 करोड़ रुपए करोड़ों कमाए करते थे पूरी जिंदगी, और बेटा देते हैं उसके पास बैठता नहीं। अगर इन्वेस्ट किया होता रिलेशन बहुतों के पास, मिलने का तांता लगा रहता है कुछ लोगों के पास, उनके पढ़ाते में उनके बीमार, और कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं। जैसे बलराम जाखड़ बासवन जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर, ठीक है, मेरे पर्टिकुलर एरिया में ग्रेटर नोएडा में 1,000 बीघा जमीन, और अभी कुछ दिन पहले एक बार राज्यपाल ऑफ दिस मध्य प्रदेश, तो वहां पर उन्होंने 7,000 बीघा जमीन खरीदी, और 93 ईयर्स की एज में वो एक्सपायर हुए हैं, उनको देखने कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट आज आप 40 लोग इकट्ठे हो जाओ, किसी की भी लगेगी अगर अच्छी, आज आपने उसे सता दिया क्योंकि आप अच्छे घर से थे, आपके पास पैसा अच्छा था, आपने उसे कभी कदर नहीं की उसकी, और वो बन गया पोजीशन पे, कल के दिन आप नौकरी ढूंढ रहे, सपोज उसी कंपनी में आप चले गए, आपको पता भी नहीं कि वो वहां बैठा हुआ, तब क्या आपको मिलती भी हो तो मिलेगी? और अगर उससे आपके अच्छे संबंध होते तो नहीं मिलती भी होती तो मिलने की संभावना बन जाती, आपने खो दिया ऐसे उनके पास में आई, उनका भाषण और तुम ऐसा कह रहे हो कि ये काम बिना शादी के संभव हो रही है, आप मेरी मन है आपका बेटा ये मुझे बुलाए, क्योंकि ये तो आपके साथ 2 साल की जर्नी में साथ रहने वाले, तो जो घर के हैं उनसे हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती, लेकिन कोई बाहर आए उसी के सुन लो, उनको अपने उनमें अपना देट इज वॉट फॉर देट से काम लिए। अब्राहम लिंकन को लव एवरीबॉडी, लव मींस देयर वाज अ सॉन्ग शेयर इट दिस थिंग्स, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर ना करें, हमने बहुत सी चीज़ें, सबसे बड़ी गलती हमने की है, विद द परमिशन ऑफ माय डायरेक्टर मैम एंड दिस सीनियर प्रोफेसर, आई वांटेड टू टेल इट डेलिबरेटली, कि हमने भारत वर्ष में सेक्स पर बात नहीं, हमने 125 करोड़, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, हम 50 करोड़ कम होते, क्योंकि जिस चीज को हम आपसे छिपाते हैं, डराते हैं, किसी तरह से होते हैं, जैसे ही मौका मिलता है, भारत वर्ष में शादी के बाद पहला बच्चा पेरेंट्स करने ही लोग, तब तक उसे पता पड़ नहीं पाता कि वो पिता बनने, माता बनने की क्षमता है, उसमें जिम्मेदारी है, माता पिता बनना जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज के कारण हो, और हम 125 वी नीड टू वर्क अपॉन दिस, इट्स नॉर्मल फिनोमेनन, जैसे भूख, लेकिन आप लोग सिलेंडर की तरह है, आप जानते हैं गैस का सिलेंडर होता है, अब गैस के सिलेंडर को खुला छोड़ दिया जाए तो वो गैस कहीं काम आएगी, खुला खत्म, लेकिन अगर उसमें एक रेगुलेटर होता है, एंड इफ यू नो कब उसे सिम पे रखना है, कब उसे मैक्सिमम पे रखना है, कब उसे मीडियम पे रखना है, तो वो गैस सिलेंडर आपकी मैक्सिमम एनर्जी से पोटेंशियल देगा, द सेम पोटेंशियल यू पीपल गॉट, वी कुड चैनलाइज रेगुलेटर, हम उस रेगुलेटर पे आप रखे होते हैं आपको अच्छा नहीं, हम खुला छोड़ देते, and later on you realize that that was not true. So love everybody is not that love. Sir बोल के गए, बता के गए, तो मैं इसलिए love कर रहा हूँ, not. Love means घृणा का समय नहीं है हमारे पास, पता नहीं कितनी life है, घृणा में आपकी एनर्जी negativity में जाती है, मैं उससे बात नहीं करता, वो मुझसे बोल नहीं रहा, मैंने उससे बोलना छोड़ दिया, मैंने उसको ये कह दिया, ये करने में आपकी एनर्जी आपकी नुकसान किसका हो रहा है, आपका live it, love everybody. आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, बड़ी आलोचना करते हैं आपकी, मरवा दीजिए हमें, राजनीति में होता अक्सर, और आप तो उन्हें और ज्यादा प्यार करते हो जो आपके दुश्मन, उनकी उनकी एक मेड जो उनकी
घर में काम करती हूँ, तो उसने कहा कि जब मैं उन्हें प्यार कर रहा होता हूँ तो मार ही तो रहा होता हूँ, क्योंकि दुश्मन थोड़ी मारने हैं, दुश्मन ही मारनी है। अगर किसी की दुश्मनी मिल जाए तो सिर्फ खानदानी के जीते रहने से कोई आपको प्रॉब्लम थोड़े ना, ठीक है कुछ गलत उसने कर भी दिया तो यू नो कि भगवान ने हर काम के लिए जब आप कई गुना करके देना है, अच्छा काम करोगे आपको कई गुना अच्छा हो गया आपको मिलेगा, मे नॉट बी फ्रॉम दैट पर्सन जिसके साथ आपने अच्छा किया हो, कहीं से मिलेगा जरूर, और बुरा किया हो तो उसका। किसी ने भगवान से कहा कि सर आप हम इतनी प्रार्थना करते हैं आप इमीडिएटली हमें सुनते नहीं, देते नहीं हमारी प्रार्थनाओं का जवाब। बोले मैं तो आपके बुरे काम का भी तुरंत जवाब नहीं देता, जो पक जाता है तब देता हूँ। एंड वेट, प्रार्थना नंबर डायल कर रखा है आपने, यू आर इन क्यू, सो मेनी पीपल आर इन क्यू, जिस दिन आपका नंबर लग जाएगा मैं आपको भी सुन लूंगा। क्रिएट ए कल्चर ऑफ एप्रिशिएशन, हमको ऐसे लगता है कि किसी की प्रशंसा कर देंगे तो फूल का कुप्पा हो जाए, करो ना आप उस किसी दूसरे को वही चीज दे सकते हो ना जो आपके पास है। यदि आप मुझे इज्जत दे रहे हो तो आपके पास है, देने और यदि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, आप खुद पे इज्जत। तो इसलिए दूसरे को प्रशंसा दो कारणों से, न्यूटन का जो लॉ है वो जिंदगी में पूरी तरह से लागू, एक आपको भी कहीं ना कहीं से प्रशंसा मिलेगी, उससे मिले ना नहीं मिलेगी जरूर यदि आपने प्रशंसा, और जब आप प्रशंसा कर रहे हो कहीं किसी की तो वो तो खुश होता है जिसकी प्रशंसा हो रही है। देवानंद ने क्या कहा 93 मेंबर घर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, प्रशंसा कर दो झुकी ही सही तो खुश होगा वो, और प्रशंसा करते हो तो आपकी दुखी नहीं होगा। तो जो चीज खुशी पैदा करती है ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल्स हम अपने लाइफ में क्यों नहीं लागू कर सकते, ठीक है। क्रिएट ए कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन। अब जो मैं आपसे बात कह रहा था कि आपको अपने आप पर भरोसा हो कि ना हो, मुझे है कि आपके अंदर एक ब्रेन एक बहुत कुछ अचीव करने वाला आदमी है, बिकॉज When molecules of carbon are rearranged, we get diamonds. Coal, क्या है chemical? Carbon. और diamond? Carbon. Then what is the difference? Internal structure. Not outer. Internal structure. वो कोयला जो वर्षों दबा रहा अंधेरों में और जिसमें खूब दबाव पड़ा प्रकृति का, वो हीरा बन गया। और आप पे थोड़ा भी दबाव डाले और आप जब भी आप पे दबाव डाला जा रहा हो आप कोयले से हीरे बनने की कोयले की खान में से ही हीरा निकलता है, एक आध हीरा आप बन गया, 40 से 40 हीरा बनने की क्षमता रखते हैं। इंटरनल की ऑर्गेनाइजेशन आप कितने लोग कह चुके हैं अपने पेरेंट्स के अपने गुरु जी के आपको कुछ भी एक्सेप्ट करना है, कुछ किसी में डालना है, कहाँ डालेंगे, ऊपर तभी वो नीचे जाएगा। यू टच दैट, मेक ए कनेक्शन विद द एनर्जी एंड दैट एनर्जी यू टेक एंड देन यू पुट इट लाइक दिस समथिंग थोड़ी सी। एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के जा रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा सपना होगा आपने, एक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और एक को कुछ नहीं हुआ। बिकॉज जब भी आप किसी के पैर छूते हो मन से क्या निकलता है, आपके जीते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, बिना पैर छुए भी निकलता है कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं। आई सब मेरे पास मन है लोग
ये इंतजार करते रहे कि मैं अकेला मर जाऊं। आई वाज 35 ईयर ओल्ड देन, मैं 35 साल का था, वो 50 साल के थे। उनसे मैंने कहा कि मेरी उन पर नजर पड़ी है सर, मैंने उनसे पूछा एंड देन ही टोल्ड कि शर्मा जी एक बात कहने लगे हमसे, भैया सर प्लीज कहिए यू आई टेक क्रिटिसिज्म टू सपोर्ट यू, ठीक है किसी को अच्छी नहीं लगी, कोई मुझे सुधार करना चाहता है, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ तो मैं सुनूँ, तो आई थॉट ऑफ कीजिए तो निश्चित रूप से कोई इसी तरह का ऑर्डर आएंगे जो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। एंड ही टोल्ड कि पूरी जिंदगी लोगों ने हमें किताबें पढ़ी, फाइनेस्ट कमेंट एनी इंस्ट्रक्टर कैन गिव। सोचिए मैं कहां कूद रहा हूं, कितना मेरा मन बलियों में चल रहा होगा कि 50 साल के आदमी को 35 साल का आदमी जिंदगी समझा सकता है, तो फिर आज तक वो क्या कर रहा था। वी आर होमो सेपियंस, एक प्रकार की स्पीसीज, एक प्रजाति होती है, उसकी तरह जी रहे हैं यदि हम जिंदगी को नहीं जी रहे जो होना चाहिए आपके पास में इस उम्र में।